भाई तुम्हें लेने नहीं गए तो तुम वहाँ से यहाँ पर कैसे, तुम्हें छुड़ाया किसने? वो जिनका एक्सीडेंट मैंने किया था, पाची की मॉम, वो मुझे वहाँ से छुड़ाने आई। अरे सोशल मीडिया पे आपने वीडियो नहीं देखा है, अपलोडेड वन वीडियो, वो किस लिए? हाँ दादी, वो इंस्पेक्टर बोल रहा था कि मुझ पर कोई बड़ा केस बनाएगा, लाइक अटेम्प्ट टू मर्डर। वो तो प्राची की मॉम टाइम से आ गई और उन्होंने आके मुझे बचा लिया। आपको पता है उन्होंने FIR फाड़ दी, कैन यू बिलीव दैट? मतलब पुलिस स्टेशन में, पुलिस के सामने शी टोल्ड द FIR। रियली? या आई टेल यू, आई मीन वो लेडी कमाल की है, इतनी फियरलेस और इतनी अमेजिंग, और मैंने आज तक नहीं देखी। आपको पता है मतलब वो पुलिस स्टेशन आई और पुलिस ने उनको ही पकड़ लिया, कैन यू बिलीव दैट? बट पता है दादी, लॉकअप में जाने के बाद भी वो उसको धमकी दे रही थी कि रिया को हाथ मत लगाना। आई मीन मैंने उनकी बेटी के साथ, उनको पता है कि यू नो प्राची के साथ मैंने जो भी किया, मेरे उसके प्रॉब्लम्स कैसे भी हैं, बट तब भी उन्होंने मेरा साइड लिया। इट्स जस्ट सो अमेजिंग, आई मीन कौन करता है आप बताओ? अगर आपको पता होता कि मैंने इतना सब कुछ किया, आप उसका साइड लेती? नहीं ना, बट शी डिड दैट ऑल फॉर मी, कैन यू बिलीव दैट? अब मुझे समझ में आया उस प्राची की बच्ची में इतनी हिम्मत कहाँ से आई। अब मामे इतने गलत से तो प्राची में थोड़े बहुत तो आएंगे ना, यू नो ना। या सो स्वीट ऑफ हर, इतना कुछ किया उन्होंने आपके लिए, आई विश आई कुड थैंक हर। दिस इज नथिंग, आपको पता है दैट प्राची डजंट डिजर्व हर। उनको प्राची की नहीं, उनको मेरी मॉम होना चाहिए था, सिर्फ रिया की मॉम, कितना अमेजिंग हो जाता। दादी दादी, अरे सब लोग यहीं पर, अभी आ गया है। मूड कैसा है उसका? अरे बहुत गुस्से में है और रिया को पूछ रहा है वो। वो गुस्से में नहीं होंगे, वो बस थोड़ी सी टेंशन में होंगे। नहीं नहीं, गुस्से में है। ठीक है कोई बात नहीं, तुम बाहर जाकर माफी मांग लेना, वैसे भी तुम्हें लेकर बहुत बहुत अपसेट है वो। चलो अभी चलो। हाँ चलो। मेरा, मैंने पहले गुस्से में बहुत कुछ कह दिया, आई शुड हैव सेड ऑल दैट, आई एम सॉरी, बट आई डू नो कि रिया की तुमसे ज्यादा अच्छी देखभाल कोई नहीं कर सकता। आई नो यू केयर अबाउट। अभी छोड़ना यार, बच्ची हो जाता है कभी कभी। That's exactly what I'm saying. अगर बच्ची होती ना छोड़ देता, लेकिन वो बड़ी हो गई है, उसे पता हो चलना चाहिए कि वो क्या कर रही है। अभी तो थोड़ा शांत हो जाए, इतना मत डांट देना कि वो डर जाए। अरे किसी चीज से नहीं डरती वो, इसी बात का तो डर है मुझे। पता है इंसान को हर चीज करने की आजादी तब मिलनी चाहिए जब उसे सही गलत की समझ हो, और वही मुझे समझाना है। जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, तुम जानती हो ना कि बचपन से लेकर अब तक मैंने तुम्हारी हर फरमाइश पूरी की, तुमने जो मांगा तुम्हें दिया, तुम्हें इतनी लिबर्टी दी कि तुम अपनी लाइफ अपने तरीके से जी सको, ठीक है? नहीं तो किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना, ये हक तुम्हें किसने दिया? क्यों किया तुमने ऐसा? टेल मी। मुझे डांट रहे हो? हाँ हाँ, मैं वो कर रहा हूं जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। मुझे नहीं पता था कि हमारा लाड प्यार तुम्हें इतना बिगाड़ देगा कि एक दिन तुम किसी का एक्सीडेंट कर दोगी। अभी प्लीज, रिया से गलती हुई है, शी मेड अ मिस्टेक। गलती होती ना तो मैं सुधार लेता, लेकिन इसने जो कुछ भी किया जानबूझकर किया, गुस्से में किया। शी न्यू व्हाट शी वाज डूइंग। हटार मैंने कुछ नहीं किया, वो प्राची की मॉम। हां जो हुआ ना मुझे सब पता है रिया। Are you lying to me? क्या तुम अपने डैड से झूठ बोल रही हो? रिया, how are you बेटा? Are you okay? Yes, she's fine. She's super fine. और जिसकी वजह से आज ये हमारे सामने खड़ी है ना, इसने उसी का जान बूझ के एक्शन कर दिया। I think you're overreacting. इस उम्र में ये गलतियाँ हो जाती हैं. It's not a big deal. It is a big deal, आलिया. और इसमें गलती तुम्हारी भी है। बचपन से लेकर अब तक तुम इसकी हर गलती पर पर्दा डालती आई हो। You always supported her in her wrongdoings, Alia. मैं नहीं कह रहा कि तुमने गलत कामों में इसका साथ दिया है, लेकिन you always encouraged her. Always. अब छोड़ पुत्र, जब बोलना था तब तो बोला नहीं, अब बोलकर क्या फायदा? शुक्र मना वो घर आ गई है, बाकी बातों पे मिट्टी पा। नहीं दासी, आज जाने दिया ना तो ये दोबारा होगा।
और ऐसा ना हो इसलिए मुझे इसे सुधार नहीं होगा, और ऐसा ना हो ना तो मुझे करना होगा। आपको सिर्फ मेरी गलती दिख रही है। You have no idea what Prachi did to me. मुझे जाना भी नहीं है, मैं बस इतना जानता हूँ कि प्राची में जो है ना वो सही गलत की समझ, उसे तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया होगा ना सही किया है। What are you saying, भाई? आप किसी पराई लड़की के लिए अपनी बेटी को डांट रहे हैं? मैं अपनी बेटी के साथ वो कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए, वो जो तुम्हें भी करना चाहिए था लेकिन तुमने नहीं किया, इसलिए आप हमारे बीच में तुम ना ही बोलो तो अच्छा होगा आलिया। और इसमें गलती मेरी भी है ना, मैंने भी इसे खराब किया है, सिर्फ इतना पैम्पर किया कि, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई ना। मैं इंसान सुधारना नहीं जानता लेकिन गलतियां सुधारना आता है मुझे, और मैं वही करूंगा। करने क्या वाला है अभी? कल रियो और मैं प्राची के घर जाएंगे। प्राची और उसकी माँ से माफी मांगने, रिया को उसके किए की सजा नहीं पर माफी दिलवाना बहुत जरूरी है। चाचा जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मैं माफी क्यों? अभी मेरी बात नहीं पूरा, तू आलिया की तरह इसकी साइड मत ले। मैं जो कर रहा हूँ इसके भलाई के लिए कर। जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मैं माफी किस बात की मांगू? I didn't do anything, और आपको भी पता है जब मैं कुछ गलत करती हूँ मैं माफी मांग लेती हूँ। Imagine, मेरे एक कॉलेज में एक लड़की का मेकअप टूट गया था, मैंने उससे भी सॉरी बोल दिया, बट प्राची से? I'm sorry, but मैं उससे माफी नहीं मांगूंगी। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, तुम्हें बता रहा हूँ। Alright? ये सब करके मैं तुम्हें छोटा फील नहीं कराना चाहता, मैं बस तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास दिलवाना चाहता हूँ। I'll see you in the morning. आप प्लीज बैठिए आराम से। रिया बेबी इट्स ओके, जस्ट से सॉरी ना, डैड खुश हो जाएंगे। हाँ मुझे आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से आपको सुनना पड़ा। इट्स ओके, प्लीज प्लीज डैड को समझाओ, मैं उस प्राची को सॉरी नहीं बोल। रिलैक्स, आई एम देयर राइट। विक्रम तुम भाई को कुछ इतना इम्पोर्टेंट काम दे दो यार कल, जिसकी वजह से भाई ये सब कुछ भूल जाए। ओके थैंक्स, एंड यू रिलैक्स ओके। कल सुबह उठते ही भाई इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग्स में बिजी हो जाएंगे कि उन्हें इन सब चीजों के बारे में कुछ भी याद नहीं रहेगा, और तुम भी इस बारे में कुछ भी बात मत करना, समझी? गुड। पूरब ये लोग क्या बातें कर रहे हैं? वही जो अभी कह रहा था, क्रिया को बिगाड़ने में आलिया का बहुत बड़ा हाथ है। मैं भी कल साथ चलूं, प्राची से मिल लूंगी। नहीं दादी, अभी का मूड ठीक नहीं है, गुस्से में है। जैसे वो शांत होता है मैं बात करता हूँ। उसने एक्सीडेंट किया, वो भी जानबूझकर। वो प्राची से बदला लेना चाहती थी, इसीलिए उसने अपनी कार से उसे मार डालने की कोशिश की। क्या आपको नहीं लगता कि एज अ बिजनेसमैन आप बहुत सक्सेसफुल हैं, लेकिन एज अ फादर आप पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुके हैं? क्या मैं सच में एक अच्छा पाप नहीं बन सका? मैंने रिया की अच्छे से परवरिश नहीं की, कमी तो रह ही गई, तभी आज ये सब। आज अगर प्रज्ञा रिया के साथ होती तो रिया थोड़ी और बेटर पर्सन बन सकती थी। मेरी दूसरी बेटी कैसी होगी? इन 20 सालों में उसकी एक झलक भी नहीं देख पाया। क्यों जाने दिया मैं उसे? मुझे उसे रोक लेना चाहिए था, और सब प्रज्ञा की वजह से हुआ। मुझसे अलग होने के चक्कर में प्रज्ञा ने मुझे मेरी बेटी से अलग कर दिया। मैं बस एक बार अपनी बेटी को देखना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि प्रज्ञा ने कैसे उसकी परवरिश की है। वो सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, मेरी बेटी का कैसा ख्याल रखा है मुझे देखना है। उसे अपने जैसा बनाया या नहीं मुझे जानना है। वो रंग भी क्या रंग है? अगर मेरी बड़ी बेटी को भी प्रज्ञा की तरह चश्मा हुआ तो कैसी लगेगी वो, मेरे जैसी या प्रज्ञा की जैसी? मेरी कोई मां नहीं। आपने मेरे लिए इतना स्ट्रेस क्यों लिया? आई मीन आप मेरे को बचाने के लिए जेल चली गई। तुम्हारी माँ के लिए किया, मैं नहीं चाहती थी कि जब
प्राची लॉकअप में थी, मुझ पर जो गुजरी वो तकलीफ से वो गुजरती इसीलिए। उनके पास मेरी छोटी बेटी है, बिना माँ के पली बड़ी, अगर बिन माँ की बेटियां, क्या मेरी बेटी भी रिया की तरह, मतलब ऐसे उसे घर वालों की भी फिक्र नहीं है, ना दूसरों की फिक्र है, गुस्से में कुछ भी कर जाती है, कहीं खुद का नुकसान ना कर ले। क्या वो मेरी प्राची जैसी होगी? उनके साथ रहती है तो क्या हुआ, उसमें खून तो मेरा भी है ना, कुछ बातें तो मेरी जैसी होंगी जैसे प्राची में है। हाँ, प्राची जैसी हो सकती है, या फिर मेरी कियारा जैसी। कियारा वो भी तो जिद्दी थी, पर कितनी समझदार थी, छोटी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर जाया करती थी। हाँ, कियारा जैसी होगी, थोड़ी थोड़ी जिद्दी, थोड़ी समझदार। इतने सालों से उनकी कोई अच्छी बात याद नहीं आई, क्या करती है? यादों के काले बादल इतने हो गए थे कि कभी कुछ अच्छा दिखा ही नहीं। आज बहुत वक्त बाद उन्हें प्यार से याद किया है, वाकई प्यार से याद किया है, या बेटी से मिलना है इसलिए उनका ख्याल आ गया। माँ, माँ दर्द हो रहा है, मुझे लगता है आपको सर में दर्द हो रहा है, मैं दबा दूँ? नहीं, मैं ठीक हूँ। क्या ठीक हूँ, चकल देखिए अपनी, ऐसी बैठी मैं दबा देती हूँ। बैठना, बात नहीं सुनती, अपने पापा की तरह से दी। वो बहुत जिद्दी थे माँ, आपको उनके बारे में बात नहीं करनी तो इट्स ओके, मैं भी नहीं करूंगी, मुझे इतना बता दो, वो मुझसे सच में प्यार नहीं करते थे? नहीं बेटा, मेरे पापा तुम दोनों से बहुत प्यार करते थे। बच्ची उसे तब से ज्यादा प्यार करते थे, वो पता है बहाने ढूंढते थे कि बाहर ना जाना पड़े, घर पे रहे, मेरा और तुम दोनों का ख्याल रख सके। हमेशा ना मेरे पेट के करीब आके तुम लोगों से बहुत बातें करते, मुझसे ज्यादा इंतजार था उन्हें तुम लोगों का, उंगलियों में दिन महीने गिन रहे थे कि तुम लोग मेरे पापा बुरे नहीं थे, मेरे पापा तो बहुत अच्छे थे, बस वक्त बुरा था। प्राची तू बड़ी हो गई ना, ते समझ सकती, शायद वक्त बुरा नहीं था, हालात इतने बुरे थे कि हम एक साथ नहीं रहते, भरोसा ही खत्म हो गया था, बच्चे भरोसे के बिना रिश्ते नहीं चलते ना। मैं तुम दोनों को लेकर निकल रहे थे उस घर से तो उन्होंने रोक लिया, प्यार करते थे तुम दोनों से, तुम दोनों को अपने पास रखना चाहते थे, लेकिन तू भी मेरे पास नहीं होती तो मैं मर जाती ना बच्चा। उस वक्त हम दोनों का अलग होना जरूरी था। थैंक यू माँ, थैंक यू, मुझे अपने पापा के बारे में इतनी अच्छी बात सुनी मैंने पहली बार। जितना भी पता था शारदा दादी से, मुझे पता था वो सब सही नहीं था, पर आज आप भी मुझसे अपने पापा के लिए इतनी अच्छी बातें सुन के बहुत अच्छा लगा। मुझे पता था मेरे पापा बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल आपकी तरह। थैंक यू। जो सच प्राची को नहीं पता चलना चाहिए था वो सब बता दिया, अब पता नहीं क्या होगा, बस मुझे छोड़ के मत जाना प्राची।
Hey, sweetheart. Come on, wake up. सुबह हो गई. Dad. Good morning. Wake up. I'm so sorry कल के लिए. I'm really, really, really sorry. Hey, relax. It's okay. मुझे पता था अब तक तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया होगा. And you know, I don't want you to be in guilt anymore. Stay. Come on, get up. हमें कहीं जाना है. कहाँ जा रहे हैं? Shopping? Water park? No. हम प्राची के घर जा रहे हैं. प्राची के घर क्यों? मैं चाहता हूं कि तुम प्राची और उसकी माँ से माफी मांगो. I want you to apologize to them. That's why I think that's the best way out. But dad, मुझे उनका घर नहीं मालूम और I think किसी को भी उनका घर नहीं मालूम. And I know आपको भी कोई आइडिया नहीं कि उनका घर कहाँ है, right? मुझे पहले पता था वो लोग कहाँ रहते हैं. इसलिए मैंने ड्राइवर को वहाँ पर किसी काम से भेजा था. ड्राइवर से कहा था कि वो पता लगाए कि वो दोनों वहाँ है या नहीं. और ड्राइवर बता रहा था कि वो दोनों वहाँ से शिफ्ट हो गए. Exactly. ये जो नए स्टूडेंट्स होते हैं ना डैड, जो बाहर से आते हैं, उनका पता नहीं होता है, वो कहीं भी रह लेते हैं, कहीं भी शिफ्ट हो जाते हैं. तो इसलिए अभी भी आपको नहीं पता होगा. मैं अपनी बात खत्म करूं. इसलिए मैंने पूरब को तुम्हारे कॉलेज भेजा, कहा कि कॉलेज से प्राची का एड्रेस निकलवाओ. गेस व्हाट, उसे एड्रेस मिल गया. सो नाउ क्विकली गेट रेडी, फ्रेशन अप. मैं नीचे तुम्हारा वेट कर रहा हूं. आई सी यू इन 5, नॉट मोर. मैं प्राची की मॉम से माफी मांगने के लिए रेडी हूं, लेकिन उस प्राची से वो उसने मुझे थप्पड़ मारा, इतना इंसल्ट किया. बड़ी बहन की तरह थप्पड़ लगाया है. अगर फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई और दोबारा मेरे साथ ऐसी कोई भी हरकत की ना, तो कॉलेज से रस्टिकेट करवा दूंगी. वो चाहती थी मुझे सबक सिखाना. She wanted मुझे अपनी जीत मेरी शक्ल पे दिखना चाहती. That's it. God, Dad, no. I can't do this. I can't do this. एक साथ ही सबके लिए कॉफी बना ले. फिर वो सरिता जी बोल रही थी कि 7 से 10 उन्हें किचन भी खा लीजिए. 10 बजे के बाद लंच भी बना लूंगी, सारा काम ही खत्म हो जाएगा. अखरे तो देखो मालती के, हैं? जैसे 5 स्टार की कुक हो. बस फोन उठाया और बोल दिया कि मैं नहीं आने वाली. ऐसा होता है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होता है. अरे यहाँ तो रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो. एक दिन की छुट्टी के साथ भी इतना नुकसान हो जाता है. आप ये लीजिए, आप कॉफी पी लीजिए. मैं चाय पीती हूँ, वो भी अदरक वाली. आपके लिए चाय बनाऊं? चाय पसंद है, इसका मतलब ये नहीं कि कॉफी से नफरत है. तो कॉफी? और ये मालती है कौन? अरे हेल्पर है मेरी. 3,000 रुपया महीने का देती हूँ, लेकिन अभी एक पैसा नहीं दूंगी. जब देखो छुट्टी कर लेती है, बस फोन उठाए और बोल दिया कि मैं नहीं आऊंगी. अरे समझना चाहिए ना कि इतना काम है, अकेली कैसे करूंगी. सब्जी काटो, सब्जी बनाओ, फिर दाल रोटी चावल. अरे 1 बजे से पहले सबका टिफिन पहुंच जाना चाहिए. वो चाकू दे. अच्छा, आज के लिए ऐसा करती हूँ, मैं आपकी हेल्पर बन जाती हूँ. ये खाना वगैरह मैं बना लेती हूँ, ठीक है? आप आइए, आप इधर आइए. बाल्टी तेरी सहेली है? नहीं. क्यों? तो फिर तू उसका काम क्यों करेगी? आपके लिए इतना नहीं कर सकती क्या मैं? आज का मेन्यू कॉफी अच्छी है. आपको मेरे हाथ का खाना भी अच्छा लगेगा. वो तो शाम को मेरे कस्टमर बताएंगे. पैसे नहीं मिलेंगे? पैसे मांग भी नहीं रही आपसे. बिना पैसे के काम करेगी? मैं क्या आपकी खुशी के लिए मैं खाना नहीं बना सकती? अरे कोई किसी की खुशी के लिए कुछ नहीं करता, सब अपने मतलब के लिए करते हैं. लेकिन तेरा इसमें क्या मतलब है, वो अभी मुझे समझ नहीं आ रहा. मदद का मतलब मदद होता है सरिता जी, यानी बिना अपने फायदे के किसी और का काम करना.
वैसे मेरा फायदा तो हो जाएगा क्योंकि मुझे दूसरों की मदद करके बहुत खुशी मिलती है। वहाँ होशियारपुर में भी मेरे एनजीओ के बच्चे थे ना, उन्हें फ्री ट्यूशन देने में मुझे बड़ा अच्छा लगता था। और आज आपके लिए ये सबका टिफिन तैयार कर दूंगी तो मुझे खुशी मिल जाएगी, और खुशी से बड़ी कौन सी चीज होती है? पागल लगती है तू, मैंने इस दुनिया की नहीं लगती है। तू पैसे के बदले में कुछ और तो नहीं मांगेगी? अब ये मत समझना कि तुझे किराया लेट देने की छूट मिल जाएगी। पैसे मुझे टाइम पे चाहिए, और मुझे आपके चेहरे पर शाम तक एक स्माइल चाहिए।